ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। तो मिल्कीपुर में क्या हुआ, आखिर क्यों मिल्कीपुर का उपचुनाव रोक दिया गया, क्यों सरकार को भनक तक नहीं लगी? विपक्ष की माने तो क्या यह सरकार की साजिश है या सचमुच कोई ऐसा बड़ा गुफक जिसने बीजेपी के होश फाख्ता कर दिए हैं? आखिर क्या है यह पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर के उपचुनाव को अचानक उस पर ब्रेक लग गई है। वो मिल्कीपुर जिसका पूरा प्रबंधन मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ले रखा है, मिल्कीपुर को जिताने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ले रखी है, उस मिल्कीपुर में अचानक ऐसा झटका लगा कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो संभले तो संभले कैसे। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है, अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सभी ने मिल्कीपुर के चुनाव नहीं होने पर बीजेपी को घेरा है। कहा है कि बीजेपी बैक टू बैक नहीं झेल सकती दो प्रहार। फैजाबाद यानी कि अयोध्या का चुनाव हार गई है और अब मिल्कीपुर नहीं हारना चाहती, इसलिए साजिश करके मिल्कीपुर के चुनाव को ही नहीं होने दिया गया। खैर, यह विपक्ष का आरोप है, लेकिन आखिर यह गुफअप हुआ कहां? दरअसल यह ब्लंडर हुआ कैसे? सरकार के सूत्रों की माने तो सरकार पूरी तरीके से अंधेरे में रही। सरकार को मालूम ही नहीं चला कि यह जो याचिका दाखिल की गई थी अवधेश प्रसाद के खिलाफ 2022 के बीजेपी के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा के द्वारा, दरअसल वो याचिका स्टैंड कर रही थी। जब तक अवधेश प्रसाद ने पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ा था, तब तक गोरखनाथ बाबा ने 2022 की जो अपनी चुनाव में हार के बाद उन्होंने जो इसे चुनौती दी थी, उनके उस हलफनामे को, वो लड़ाई वो लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ और अवधेश प्रसाद जीते, गोरखनाथ बाबा और उनकी पूरी वकीलों की टीम ठंडी पड़ गई। उन्हें लगा कि अब तो वो जीत गए, अब ये याचिका पड़ी रहे, खत्म हो जाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं सबसे बड़ी गलती हो गई। चुनाव आयोग ने उसी याचिका को आधार बनाते हुए वहां पर चुनाव का ऐलान नहीं किया और बहुत मुमकिन है कि ये चुनाव टल जाए। हो सकता है कि अगर आज याचिका वापिस हो जाए और जल्दी से चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला ले ले तो फिर 13 नवंबर को 9 सीटों के साथ यहां भी हो जाए। लेकिन आखिर इस एक घटना ने, एक फैसले ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। आखिर ये कम्युनिकेशन गैप हुआ कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल किसी भी विधानसभा या किसी भी चुनाव का जब कोई उपचुनाव होता है तो उसकी पूरी एक फाइल बनती है, एक रिपोर्ट होती है, जो कि प्रशासन से होते हुए, स्थानीय प्रशासन से होते हुए राज्य प्रशासन और फिर राज्य आयोग से होते हुए दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग तक पहुंचता है। और यहां भी जब इलेक्शन कमीशन ने इन सभी 10 विधानसभाओं के लिए रिपोर्ट मांगी थी तो बकायदा उसमें यह रिपोर्ट लगाकर भेजी गई कि यहां पर एक याचिका चल रही है और यह याचिका 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत को चुनौती दी हुई है। लेकिन आखिर जब यह बात प्रशासन से लेकर जिला राज्य चुनाव आयोग तक को मालूम था, यह बात दिल्ली में जो चुनाव मुख्य चुनाव आयोग है वहां तक मालूम था, तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी के संगठन को कैसे नहीं पता चला कि इस एक याचिका के जरिए की बदौलत यहां का चुनाव रुक भी सकता है। दरअसल कल जैसे ही ये पता चला कि मिल्कीपुर का चुनाव रुक गया है तो आनन फानन में संगठन की तरफ से गोरखनाथ बाबा को तुरंत बुलावा भेजा गया और उन्हें कहा गया कि आप अपनी याचिका तुरंत वापस लें। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री जहां के प्रभारी हैं, यूं तो सभी 10 का प्रभार उनके अंडर में, लेकिन मिल्कीपुर को खासतौर पर उन्होंने हाथ में लिया है, आखिर उनके प्रबंधन की टीम क्या कर रही थी? आखिर उन्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं लगा कि अगर यहां का चुनाव रुका तो इसका असर मुख्यमंत्री पर भी पड़ेगा? या फिर यह माना जाए कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है। क्या संगठन ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं तलब की थी कि आखिर जब वहां पर याचिका दायर की गई तो
तो उस याचिका का क्या हुआ? दरअसल जमीनी स्तर पर बीजेपी का यह डिस्कनेक्ट दिखाता है। जो प्रशासन है, जो सरकार है, सरकार और जो 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 जिला प्रशासन का इस मामले में डिस्कनेक्ट दिखाता है। किस तरीके से बीजेपी के स्थानीय नेता और बीजेपी के संगठन के नेताओं के बीच की दूरी बनी हुई है, ये दिखाता है। तो इस पूरे मामले में हुआ ये है कि ये याचिका इंडिविजुअल स्तर पर जो प्रत्याशी हैं गोरखनाथ बाबा, उनकी तरफ से दायर की गई थी। सरकार का कोई लेना देना नहीं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने चैलेंज किया था कि अवधेश प्रसाद जो विधायक बने हैं 2022 में, वो गलत तरीके से बने हैं, उनका हलफनामा फर्जी है, अवैध है। लेकिन इसकी कोई सूचना उन्होंने न तो राज्य सरकार को दी, ना ही संगठन को भेजी। ये बात अखबारों तक आकर रुक गई, अखबारों तक आकर टिक गई। एक छोटी सी खबर छपी और उसके बाद से पूरी तरीके से ये सुन्न बटा सन्नाटा था, किसी को जानकारी नहीं थी। और कल जैसे ही मिल्कीपुर की का चुनाव रुका है, वैसे ही सभी के हाथ पांव फूल गए कि आखिर हुआ क्या है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक याचिका इतनी भारी पड़ सकती है, और हुआ भी यही। तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे के बाद लोगों को यह अंदाजा लग पाया कि एक पुरानी, 2 साल पुरानी याचिका पड़ी है और उसकी वजह से यह चुनाव रुका है। तो ब्लंडर उस कैंडिडेट के स्तर पर रहा, संगठन से उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई भी गई, लेकिन तब तक वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बीजेपी के लिए पछताने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को हाथ लगा है जो बीजेपी पर भारी पड़ेगा। जिस तरीके से अयोध्या की हार को इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव में मुद्दा बनाया, उसी तरीके से मिल्कीपुर में चुनाव के रुकने को विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा। चुनाव होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त के गर्व में है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस एक घटना ने यह दिखा दिया है कि बीजेपी के भीतर किस तरीके का डिस्कनेक्ट अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से है, और सरकार का कैसा डिस्कनेक्ट अपने प्रशासन से है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।